प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभातखबर.com। कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, किसी रेतीले तूफान की तरह ये फैलता जा रहा है। सवाल ये है कि तबलीगी जमात वाले मसले के बाद देश में अचानक संक्रमितों की संख्या में हुई बढ़ोतरी का झारखंड में कितना असर होने वाला है? क्या झारखंड किसी बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि झारखंड में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। एक मलेशियाई महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अचानक से रांची का हिंदपीढ़ी इलाका सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि महिला इसी इलाके 5 घरों में ठहरी थी। मामला सामने कैसे आया? आपके मन में उठता हुआ ताजा सवाल अभी यही होगा। दरअसल दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक मस्जिद में जैसे ही कई लोगों के इकट्ठा होने और उनमें से कईयों के कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आया, झारखंड सरकार के कान खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि 13 से 15 मार्च के बीच दिल्ली में तबलीगी जमात की ओर से आयोजित मरकज यानी एक धार्मिक समारोह में झारखंड के भी 46 लोगों ने हिस्सा लिया था। झारखंड से लोगों को दिल्ली ले जाने के लिए 36 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए थे, जिसमें सूबे में मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का बेटा मोहम्मद तनवीर भी शामिल था। तनवीर देवघर का कोऑर्डिनेटर था। तनवीर को भी क्वारंटाइन किया गया है, इसका भी सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। हालांकि तनवीर का कहना है कि वो हाल फिलहाल दिल्ली गया ही नहीं था। दिल्ली में मरकज के समापन के बाद लोग झारखंड आए, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग नहीं हुई। इसमें से कई लोग विदेश से तो कई दूसरे राज्यों से हैं। मॉनिटरिंग नहीं होने की शिकायत पर सरकार का तर्क है, क्योंकि वे प्लान से नहीं आए थे इसलिए स्क्रीनिंग नहीं हुई। खैर, इसे जाने देते हैं। अब दोबारा तबलीगी जमात पर आते हैं। तबलीगी जमात से जुड़े ये लोग झारखंड आए, कुछ लोग रांची में ठहरे तो कुछ अन्य जिलों में चले गए। मस्जिदों में कार्यक्रम हुई, बैठकें हुई, लोग मिलते जुलते रहे, जबकि झारखंड में लॉकडाउन था। ना तो प्रशासन ने इसकी सुध ली और ना ही लोगों ने समझदारी दिखाई। दिल्ली वाले मामले के बाद जब खोज खबर शुरू हुई तो मामले का पर्दाफाश हुआ। हिंदपीढ़ी इलाके में लोगों को पकड़ा गया। यहां जांच में एक 22 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। महिला मलेशिया की रहने वाली है। इसके साथ रुके अन्य लोगों की भी जांच हुई। महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से अब तक 70 लोगों का सैंपल लिया गया। जांच में 69 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई, मतलब कि इन्हें संक्रमण नहीं है। एक का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हालांकि आशंका और खतरा अभी भी बाकी है, कैसे ये जान लेते हैं। विभिन्न जिलों से लोगों की तलाश की जा रही है और उन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच के बाद सबको क्वारंटाइन सेंटरों में भेजा जा रहा है। कोल्हान इलाके से ऐसे 111 लोगों को पकड़ा गया जो कोरोना के संभावित मरीज हो सकते हैं। संथाल परगना और कोयलांचल से तकरीबन 67 लोगों को पकड़ा गया है। रांची सहित आसपास के इलाकों से 21 लोगों को पकड़ा गया है। जानकर हैरानी होगी कि इनमें से अधिकांश दूसरे राज्यों से हैं। रांची के पिठौरिया इलाके से पुलिस ने 10 नेपाली मुस्लिम नागरिकों को पकड़ा है, इन्हें भी जांच के लिए भेज दिया गया है। चतरा में भी ऐसे 11 लोगों को पकड़ा गया जो यूपी के गाजियाबाद जिले के रहने वाले हैं। पलामू और गढ़वा में भी तबलीगी जमात के एक एक लोग क्वारंटाइन सेंटर में भेजे गए हैं। कोडरमा में 9 लोगों को पकड़ा गया। फिलहाल इन सबको क्वारंटाइन किया गया है। इन सभी लोगों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट का इंतजार है। उम्मीद और आशा यही होगी कि कोई भी पॉजिटिव ना पाया जाए, क्योंकि ये सैकड़ों लोग ना जाने और कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे। आप अपना ख्याल रखें, लॉकडाउन नियमों का पालन करें, घर में रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर इस पर कमेंट करें और प्रभातखबर.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।